सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। अगर आप लोग को वीडियो में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मेरी BGMI की आईडी, आप लोग मुझे फ्री पॉपुलैरिटी दे सकते हो। मैं रैंडमली पॉपुलैरिटी में से किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। और हाँ, मुझे आप सबसे एक शिकायत है। आप में से 76% लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप इन 76% में से हो तो वीडियो देखने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हमें जल्दी से 200 के करना है। आई होप आप सब सपोर्ट करोगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। सर, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, आपकी बहुत अच्छी जान पहचान है इस फील्ड में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब मेहनत का फल है। सर मुझे ना न्यू कंपनी सेटअप करनी है और उसके लिए जो प्रॉपर्टी है ना, मुझे ऐसी चाहिए जो एक तो ऑन रोड हो और उसके आसपास मार्केट भी होनी चाहिए। फिलहाल तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारी नजर में, पर 2 दिन का समय दो आप हमें, हम आपको पता करके बताते हैं। ठीक है, तो सर मैं आपको 2 दिन बाद कॉल करता हूँ। ओके। यहाँ पे ऐसी जमीन कहाँ पर है जो ऑन रोड हो और उसके आसपास मार्केट भी हो? सर एक जगह है तो सही, लेकिन जिसकी है वो अभी अमेरिका में रहते हैं। तो उनसे पहले किसकी थी वो जमीन? पास में ही गांव है, वहाँ का है कोई। अरे बस तो हो गया काम। कैसे सर? तो जमीन को दोबारा बेच देंगे। जिसकी जमीन पहले थी उससे बात करो, उसे भी पैसे दे देंगे। वैसे भी ये पार्टी मोटी है, बहुत पैसा देगी। ठीक है सर, मैं बात करवाती हूँ। भाई मैं आपके लिए एक डील लाया हूँ। आप हो कौन और कैसी डील? भाई मैं KD प्रॉपर्टीज की तरफ से आया हूँ और आपकी जो जमीन है रोड वाली, उसके लिए कुछ बात करनी है। लेकिन वो जमीन तो हमने पहले ही बेच दी थी। हाँ भाई देखो सुनो, जो हमारे बॉस है उन्हें आपकी जमीन पसंद है और जो उसकी ऑनर है वो फिलहाल रहते हैं अमेरिका। अच्छा। हाँ भाई सर, सबको सेटल करा देंगे और बस आपको साइन करना है और आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। मतलब आपकी जो जमीन है ना उसको फिर से बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब फ्रॉड कर रहे हो किसी के साथ और मुझे भी फंसाना चाह रहे हो इसमें? नहीं सर, आपका भी तो प्रॉफिट है। नहीं चाहिए ऐसा प्रॉफिट किसी के साथ फ्रॉड करके। बोल दिया अपने सर से कि किसान लोग इज्जत का खाते और इज्जत का कमाते, ऐसे किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते। चला यहां से। देखो ये डील बहुत अच्छी है और ये डील फाइनल नहीं हुई ना, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और ऐसी डील यार रोज रोज नहीं मिलती। बच्चर उसने तो मना कर दिया, अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ये कर लोगी। बताओ सर क्या करना है। तुम्हें उसके साथ प्यार का झूठा नाटक करना होगा और कैसे भी करके फाइल पे उसके साइन लेने होंगे। सर उस गवार से प्यार का नाटक मुझसे नहीं होगा। नाटक ही तो करना है यार, कौन सा रियल में करना है। और तुम्हारी कमीशन का मैं तुम्हें 5% एक्स्ट्रा दूंगा और तुम्हें पता ही होगा इतनी बड़ी डील का 5% कितना होगा। बट सर। यार बट छोड़ो, मुझे पता है तुम कर सकती हो, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। ठीक है सर। ठीक है तो मैं पार्टी से 10% पहले ले लेता हूँ, पर काम पूरा होना चाहिए। ठीक है सर। क्या हुआ मैडम जी? यार मैं गांव में आई थी घूमने के लिए और मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई मैकेनिक ही नहीं है। कोई नहीं मैम, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, आप टेंशन मत लो, सुबह तक मैं ठीक करवा दूंगा इसको। सुबह तक कहाँ रहूंगी मैं, यहाँ पे तो कोई होटल भी नहीं है। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो, मेरे घर रुक जाना आज। हाँ ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हो गई आपकी गाड़ी ठीक यार, लेकिन मैं गांव में ना घूमना चाहती हूँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं 2-3 दिन यहाँ रह सकती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहो यहाँ। कपिल
यार थैंक्स, तुमने मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से घुमाया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे तो कुछ बोलना भी है लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, कभी फिर। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब बोल देना। इस फाइल में क्या है? कुछ नहीं, बस मैं अपने ब्लॉग लिख रही हूँ गाँव के बारे में, बस वही है। अच्छा हाँ, पढ़ कर देखो। नहीं यार मुझे इंग्लिश नहीं आती। अच्छा कोई नहीं। हाँ अच्छा, ये मुझे ऑफिस में सबमिट करना होगा तो इसमें मुझे तुम्हारे साइन की जरूरत है क्योंकि ऑफिस वाले देखते हैं ना कि मैं सही में गाँव गई थी या फिर मैंने घर पे बैठ के लिख दिया है। अच्छा बताओ कहाँ करना है। अच्छा अभी मैं लेट हो रही हूँ, अभी मैं चलती हूँ और ये लो मेरा नंबर, जब मन करे तब कॉल कर लेना। ठीक है बाय। हेलो। हेलो कौन? मैं कपिल बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ बोलो। अरे मैं शहर आया था तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ। अच्छा किसी से भी सिटी पार्क पूछ लो, तुम वहीं पहुँचो मैं वहीं आ रही हूँ। ठीक है मैं वहीं पहुँचता हूँ। ऐसे ही मन कर रहा था तुमसे मिलने का। अच्छा हाँ, और मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। हाँ बोलो। यार बुरा मत मानना पर मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। आई लव यू। व्हाट, पागल हो गए हो क्या तुम? क्या हुआ, तुम भी तो खुश थी और तुमने बोला भी था कि तुम्हारे साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और हाँ चलो मैं तुम्हें सच ही बता देती हूँ। कैसा सच? वो सब एक नाटक था। नाटक? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये देखो पेपर, मुझे इसमें तुम्हारे साइन चाहिए थे क्योंकि हम तुम्हारी जमीन फिर से बेचेंगे। अच्छा तो ये सब नाटक था, इसका मतलब तुम केडी प्रॉपर्टीज से हो। हाँ सही समझे। और तुमने क्या सोचा, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? कम से कम अपना और मेरा लेवल तो देख लेते, गरीब कहीं के। प्यार करने के लिए लेवल अच्छा होना और अमीर होना जरूरी है क्या? और क्या, आजकल बिना पैसे के है ही क्या? ये प्यार व्यार सब बेकार है, पैसा जरूरी है क्योंकि पैसों से आजकल सब खरीदा जा सकता है। तुमने ये बहुत गलत किया है मेरे साथ, मैं फ्रॉड का केस करूंगा तुम पर। जाओ जो करना है करो, मेरे बॉस बहुत बड़े आदमी है, वो अच्छे से अच्छे आदमी को खरीद सकते हैं। और आज के बाद तुम मुझे दिख मत जाना। अच्छा सुनो, वो सारे पेपर सेफ है ना तुम्हारे पास? हाँ सर सब सेफ है। ठीक है तो वो पार्टी कल आ रही है और उनके नाम करानी है प्रॉपर्टी, तो कल याद से पेपर ले आना। ठीक है सर। यस सर, हमें पता चला है कि वो जमीन तुम हमें फ्रॉड करके बेच रहे हो। अरे नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है, मेरे पास तो पेपर भी है उस प्रॉपर्टी के। ठीक है तो मैं कल आ रहा हूँ, उस जमीन को मेरे नाम करा दो वरना जेल जाने के लिए तैयार रहूँ। अरे नहीं सर, आप चिंता मत करो, कल जमीन आपकी होगी। ठीक है। मुझे अभी के अभी पेपर्स चाहिए, अभी जाके पेपर्स लेके आओ। ठीक है सर। सर वो पेपर तो खो गए। खो गए? आर यू मैड? तुम्हें पता भी है वो पेपर कितने जरूरी है हमारे लिए? जाओ कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ वरना जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ। जाओ अब। कैसे? क्या हुआ, तुम यहाँ वापस कैसे? मैं तो ऐसे ही, मेरी एक चीज रह गई थी यहाँ। यही तो नहीं है वो चीज? हाँ यही है। कपिल प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मुझे दे दो वरना मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। माफ कर दो? और क्या बोला तुमने, लाइफ खराब हो जाएगी? और जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था फिर? और कहते हैं ना भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देते, तो मेरे साथ ही कैसे बुरा करते भगवान। यार प्लीज मुझे दे दो। ये तो मैं तुम्हें दे दूंगा पर इन्हें लेने का भी तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम अब माफी के काबिल नहीं हो, ना मेरी नजरों में और ना सरकार की नजरों में। मतलब पीछे देखो।
सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो में आना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।